और उसमें सारे मेरे पार्टी के एक एक कार्यकर्ता का सहयोग है। वार्ड में आपने जिम्मेदारी निभानी है, काम करेंगे, मैं वो जिम्मेदारी निभाऊंगा। एन भारत के साथ ग्वालियर से इस समय मैं हूँ टीएन मनीष। हमारे साथ में ग्वालियर पूर्व की प्रत्याशी माया सिंह जी मौजूद हैं, हम उनसे बात करेंगे। हम जी, क्या लग रहा है आपको, ये जो पार्टी ने फैसला लिया, पहले से आप मानसिक रूप से आपको उम्मीद थी क्या कि इस तरह कुछ हो गया, अचानक आदेश आया था संगठन का? मैं तो जब से राजनीति में हूँ, पार्टी जो आदेश देती है वो काम करती है, वो मेरे लिए काम, कोई भी काम न छोटा होता है न बड़ा होता है। मुझे कहे कि किसी वार्ड में आपने जिम्मेदारी निभानी है, काम करेंगे, मैं वो जिम्मेदारी निभाऊंगा। उसी से जो हमारे कुशाभाऊ ठाकरे जी थे और उनसे यही सीखा, और भविष्य में भी मेरे जितने भी कार्यकर्ता हैं, क्षेत्र के जितने भी निवासी, मैं उनकी भावनाएं, उनकी ज़रूरतें उसको ध्यान में रखकर उनके हिसाब से काम करूँ। इस बार ऐसा हुआ कि वरिष्ठ नेतृत्व ने बहुत सारे चौंकाने वाले फैसले लिए, सांसद मंत्री तक उतारे, तो किस तरह आपको लग रहा है भाजपा की रणनीति क्या बदली है इस चुनाव? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है और मुझे जानकारी भी नहीं है, तो वो पार्टी के अध्यक्ष और उनसे पूछिए। अच्छा, चलिए अपन पूरब पे आते हैं, आपकी आपकी विधानसभा। लेकिन जो काम मुझे उन्होंने दिया, आदेश दिया कि ये करना है, ऐसा करना है, वो मैं करूँगा, और उसमें सारे मेरे पार्टी के एक एक कार्यकर्ता का सहयोग है मेरे साथ। देखिए, मैं मतलब जितनी भी तारीफ करूँ उतनी ही कम है कि गोयल जी यहाँ खड़े हुए हैं, बिल्कुल, और पूरा सहयोग कर रहे हैं, और इनकी जो मेहनत थी उसका भी प्रतिसाद कहीं ना कहीं आपके साथ ऐड हो रहा है। सर, बिल्कुल झूठ नहीं बोलती हूँ, मेरे एक एक कार्यकर्ता जो यहाँ रहता है, गोयल जी तो बहुत सीनियर श्रेणी में उसमें आते हैं, लेकिन सबके सहयोग और इनके सहयोग, पार्टी के और उनके सहयोग के बिना तो आगे कदम बढ़ा सकता है। जय सिंह जी से अभी आप मिल के आए, किस तरह की बात? परिवार है मेरा, अभी कोई नाराज की नहीं, बातें ऐसी आ रही थी कि बापू नाराज है। ये रुकने मनाने का जो सिलसिला है इस समय चल रहा है, और मामी को उम्मीद है कि सारे जो बड़े वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता हैं, वो निश्चित तौर पर उनके साथ चुनाव के इस माहौल में साथ हैं, सारे समर्थक साथ हैं। तो ये देखना होगा कि आखिर नतीजे तक क्या स्थिति ग्वालियर पूर्व विधानसभा की बनती है। हालांकि चुनौती के रथ पे कहीं ना कहीं प्रत्याशी इस समय सवार है। कैमरा पर्सन संजय पांडे के साथ टीएन मनीष, एंड भारत, ग्वालियर।